जनसंख्या एक बोझ भी है, जनसंख्या एक उपयोगी चीज भी है। तो जैसा उस भाषण में मैंने कहा वैसा एक खूब दूरगामी और गहरा सोचकर एक नीति बननी चाहिए, वो नीति सब पर समान रूप से लागू होनी चाहिए। लेकिन ये होने के लिए ज़बरदस्ती से काम नहीं चलता है, इसके लिए एजुकेट करना पड़ेगा। जनसंख्या असंतुलन एक व्यवहार्य बात है, क्योंकि जहाँ ये असंतुलन हुआ वहाँ देश टूटा, ऐसा सारी दुनिया में है। और वो इसलिए है कि दुनिया में लोगों की प्रवृत्ति, सभ्यताओं की प्रवृत्ति आक्रामक है। एकमात्र हिंदू समाज जीवन है जो आक्रामक नहीं है। इसलिए अनाक्रामकता, अहिंसा, क्या सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म, डेमोक्रेसी, ये सब बचा रहना है तो ये अनाक्रामकता की प्रवृत्ति जिनकी है वो बचे रहने आवश्यक है। तो तिमोर हुआ हमने देखा, सुदान हुआ हमने देखा, और पाकिस्तान भी हमने देखा, क्यों हुआ? राजनीति छोड़ दो, खुश करने की बात छोड़ दो, निरपेक्ष होकर न हिंदू के पक्ष में न अन्य लोगों के पक्ष में एक तटस्थ विचार कर, क्या पाकिस्तान क्यों हुआ? जब से इतिहास ने आंखें खोली तब से ये भारत अखंड था। इस्लाम का भयंकर आक्रमण 1100 साल के बाद समाप्त हो गया, ये अचानक देश कैसे टूटा 300 साल के बाद? एकमात्र कारण है हिंदू भाव को जब जब भूले, आई विपद महान, भाई टूटे धरती खोई मिटे धर्म संस्थान। इसमें किसी के विरोध की बात नहीं है,